नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। विजयनगर तहसील में किसानों को लंबे समय से बारिश का इंतजार था, वहीं मॉनसून की राह देख रहे लोगों के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। उमस और गर्मी से बेहाल लोगों को मौसम ने राहत दी है, वहीं बारिश का ज्यादा फायदा किसानों को हुआ है। विजयनगर तहसील के क्षेत्र के आसपास के गांव में बुधवार को दिन भर तेज गर्मी व उमस के बाद दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादल छाए और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई। इस दौरान रिमझिम बारिश हुई। रिमझिम बारिश से गांव के किसानों के चेहरों पर खुशी की लकीरें छलक उठी। पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से ग्रामीणों को राहत मिली। वहीं कुछ किसान अगेती फसल बो रखी है, जो पड़ रही तेज धूप के कारण अगेती फसलें मुरझाने लगी थी। मानसून में देरी के चलते किसानों ने पिछले एक दो दिनों में अगेती फसलों में सिंचाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब मानसून की बरसात होने से अगेती फसलों को जीवनदान मिला और किसानों को थोड़ी राहत मिली। सावन महीने के 15 दिन सूखे निकलने के बाद 70वें दिन में रिमझिम बारिश होने से ग्रामीण किसानों में अब मानसून के पूर्ण रूप से आने की आस जग उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट के घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, सहभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।